तीर्थंक जिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति भगवान परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने आत्मसिद्धि को प्राप्त किया है और जिस साधना से सिद्धि को प्राप्त किया है उस साधना अंतरंग बहिरंग उभय प्रकार की है। परमात्मा दीक्षा को धारण करते हैं, दीक्षा लेना ही तप है, तप कल्याणक है, निष्क्रण कल्याणक है। जब तक जीव विषय कषाय से अपनी दृष्टि को नहीं मोड़ता तब तक ज्ञानी और तपस्या संभव नहीं है। जो तप है वो पतन का कारण नहीं है, वो मित्र उत्थान का कारण है। अंतरंग वहिरंग तपस्या करते हुए प्रभु ने कैवल्य को प्राप्त किया है। बिना तपस्या के जो जीव आत्मसिद्धि चाहता है, ज्ञानियों और गाय के सींगों से दुग्ध निकालना चाहता है, वो गाय के सींगों से कभी दुग्ध संभव नहीं है। ऐसे तपस्या किए बिना आत्मसिद्धि संभव नहीं है। सिद्धि चाहिए है तो अखंड अचल अनुपम सहानुभूति में लीन होने का मार्ग जो है उसका नाम है तपस्या। चित्त पिंड ज्ञान घन की लीनता जिससे संभव है वह अंतरंग बहिरंग तप है। वे परम योगेश्वर परम विरक्ति को प्राप्त हुए और जिनके सामने पूर्व राज्य अवस्था में विभूतियां चरणों का चुंबन कर रही हो। तपस्या का तात्पर्य गरीबी के दनों से निकलना नहीं है। तपस्या का तात्पर्य ज्ञानियों कहीं घर में क्लेश प्रारंभ हो चुका है वो क्लेश से मुक्त होने के लिए साधु बनना ये तपस्या नहीं है। सिर पर ऋण रखा हुआ है प्रदीप भैया, उस ऋण को नहीं चुका पा रहा है, चलो साधु बना जाता हूं, ये तपस्या नहीं। गरीब के दनों से मुख मोड़ना, विपत्तियों से मुख मोड़ना, इसका आत्म साधक की तपस्या नहीं है। विटंबनाओं से डर करके मित्र साधु बनना तपस्या नहीं है। कर्मों की विटंबना से डर करके तपस्वी होना तपस्या है। लोक की विटंबना तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, वृत्ति होना चाहिए। और वृत्ति के साथ जो धारण कर रहा है उस जीव से मिलना, जिन्होंने मात्र उल्का पात देखा, टूटती उल्का को देख करके सब छोड़ के चल दिया, दर्पण में एक श्वेत बाल देखा, जीव साधु बन गया। एक वृक्ष को जमीन पर गिरते देख करके बैराग हो गया। जो लहराता वृक्ष क्षण मात में धराशायी हो गया। इतना देखते ही देखते
अंतरंग की गहराई में प्रवेश कर गया। पतित हुआ वृक्ष जिसे दुनिया पहले नीचे जाकर फल देखते थे, आज पशु पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। पतित वृक्ष को पक्षी पशु जो है उसके पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, ज्ञानियों और मानव डालियां तोड़ तोड़ करके ईंधन बना रहा है, तो कोई पतली डाली तोड़ करके दातून बना रहा है। इस दृश्य को भी देखो, जमीन पर पड़ा वृक्ष उसके साथ क्या हो रहा है। पतित हुआ वृक्ष उसके साथ जो हो रहा है, जो आत्मा निकल जाती है शरीर से, पतित हुए शरीर के लिए ज्ञानियों देखना, कहीं कईये चूक रहे हैं, कहीं श्वान चीत रहे हैं, इस शरीर की क्या दशा होगी। इस शरीर की जो दशा होगी वो तो जड़ की है, शरीर के साथ आत्मा की क्या दशा होगी इसी का विचार करो। उन लोगों को भी देखो जो मनुष्य होकर के नारकी का जीवन जी रहे हैं, उन लोगों की दशा देखो जो मनुष्य होकर पशुओं का जीवन जी रहे हैं। आज आप उच्च कुल में बैठे हो, उच्च देश में बैठे हो, उच्च धर्म में बैठे हो, बेटा आपके लिए सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है। आज आप प्रसन्न होकर के अनशन तप कर रहे हो, पर ज्ञानी लोगों को अनशन भी नहीं होता है, वो खाने को दाना भी नहीं मिलता है। ऐसे मित्र विश्व में कितने जीव हैं जो उपवास का विचार नहीं कर पाते हैं, वो खाने को दाना भी नहीं मिल पाता है, और रोटी रोटी चिल्लाते चिल्लाते प्राण दे देते हैं मेरे मित्र, लेकिन उपवास का फल नहीं मिलता। रोटी के राग में जहां रोटी के राग में जीव मरता है, वहां आर ध्यान से मरण करके किसी रोटी में फफूंद बन के उत्पन्न हो जाता है। दादा सुकमाल जी, जो पूरियों में फफूंद लग रही है, रोटियों में फफूंद लग रही है, अचार में कीड़े पड़ रहे हैं, ये कौन से जीव आ रहे हैं। जो रोटी रोटी बाटी बाटी चिल्ला चिल्ला कर मर गए बेचारे, बेजीव जाकर के भोजन सामग्री में जाके कीड़े बनते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है हम क्षण मात को भी किसी को छोड़ते नहीं है। चार दिन की रखी पूड़ियां जो तुम शेक से करके सुखा सुखा खा रहे हो, उनके ऊपर लगी सैवाल को भी देख लेना, और फिर कहना ये तुम कौन हो। तब वो कहेंगे मित्र जब भी मैं भी मनुष्य थी तब ऐसे ही तुम्हारे जैसा करता था, लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई है कि मैं उसी रोटी में आके सैवाल बन गई हूं, काई बन गई। ऐसा ना हो भोजन के पीछे आर ध्यान करके मर गए, कहीं ज्ञानी फलों में कीड़े ना बनना पड़ जाए, फलों में कीड़े ना बनना पड़ जाए। धन्य योगी जिसने निहार लिया है निज आत्म तत्व को, और मित्र राज विभूति को, राज विभूति के लिए साम्राज्यम से भूमम से जत्रण विभावत, संपूर्ण साम्राज्य को, संपूर्ण विभूति को शांति कुंत अरे तीन तीर्थंकरों से मिली है, जिनके मस्तिष्क में कीड़ा काट रहा हो कि जिनके घर में खाने को दाना ना हो उन्हें साधु बन जाना चाहिए,
मित्र खाने को दाना नहीं होता है, फिर साधु नहीं भिखारी बन सकते हैं, साधु वो बनता है जिसको वैराग्य होता है। भिखारी वो बन जाता है जिसको घर में खाने को दाना नहीं होता है, तपस्वी वो होता है जिसको वैराग्य का धर्म का लक्षण जिसके अंतर में उतर आया होता है। भोजन के लिए नहीं, तपस्या भोजन के लिए होती है, तपस्या भजन के लिए होती है। भजन कर सको तो तपस्वी बनने का मन बनाना, भजन नहीं कर सको मित्र भीख मांग के भोजन करना, लेकिन साधु मुद्रा को लजाने मत आना। ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, तपस्या जो है ये क्षत्रियों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है तपस्या। आत्मबलि है, सुकुल है, सुकुल है, सर्वांग सुंदर है, कल्याण अंग है, ऐसा व्यक्ति ही जिसके शरीर के अंग प्रत्यंग विकृत नहीं है वही जीव जैन तपस्वी बन सकता है। अहो, जिस शरीर को संसार की नारी ना देखना चाहती हो उस शरीर धारी के लिए मुक्ति अंगना कैसे भरमाला डाल सकते हैं। यदि अंकित शादी भी करना है, कोई अपनी बेटी भी तुमको देना चाहेगा बेटा, तो ये तो देखेगा इनके घर में क्या है। कोई पुरुष शादी करना चाहता है तो सज्जन पुरुष होगा, यदि देव विवाह करना होगा तो पुत्र पुत्री के घर के लोग देखेंगे, न कि पुत्र पुत्री को वर वधू को आप देखेंगे। जब भी शादी होगी तो ज्ञानी ये तो देखा जाएगा, चाहे ब्रह्म विवाह हो चाहे देव विवाह हो, ये दो विवाह ही श्रेष्ठ है। गंधर्व शादी, राक्षसी शादी, पिशाची शादी, ये नहीं होना चाहिए। यानी कन्या देने वाला ये देखता है इसके घर में क्या है। ऐसी जैसी ज्ञानयु संपत्ति संपन्न सदाचारी परिवार में अपनी कन्या देना हर व्यक्ति पसंद करता है, ऐसे मुक्ति कन्या देखती है इसके पास रत्नत्रय की संपत्ति कैसी है और संयम का कुल कैसा है और चारित्र का भवन कैसा है, उसको मैं बरमाला डालूंगा। संयम का कुल भिन्न छिन्न हो गया है, चारित्र का भवन का पता ही नहीं है, मित्र और रत्नत्रय की संपत्ति नहीं है, तपस्या के माता पिता का पता ही नहीं है, उनके लिए सद कुलवती कन्या कभी बरमाला नहीं डालेगी। कितनी सिर ऊपर उठाओ रावण, कितनी सिर ऊपर करो, लेकिन सीता बरमाला डालने वाली नहीं है। लंकेश कितनी सिर ऊपर करो स्वयंवर मंडप में, लेकिन जानकी ने बरमाला तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कंठ में डाली, रावण के कंठ में नहीं डाली। जब जनक की पुत्री सीता एक मनुष्यनी होने पर भी उसने श्रेष्ठ वर को चुना है, पापी दुराचारी अहंकारी अहिमानी प्रपंच में लीन पाखंडियों को कभी बरमाला नहीं डालेगी। उस युग की धारा में जाओ, कैसा योगी 96,000 राड़ियां जिसके पास थे, 18 करोड़ क्या
घोड़े थे और 84 लाख जिनके पास हाथी थे। 6 खंडिका में सुमित था साम्राज्य और भौम्य, पर जब छोड़ा तो तिनके के समान नहीं छोड़ा। जब छोड़ा तो तिनके के समान नहीं छोड़ा, 3.5 तिनके के समान छोड़ा। ओ ऐसा क्यों? यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको दांतों में धान्य फंस जाए, अन्न फंस जाए, उसको निकालने के काम में आता तिनका, काड़ी सलाका उस काम में आती है, लेकिन सड़ी काड़ी। इसलिए प्रभु ने जो विभूति छोड़ी है वो तृण के समान नहीं छोड़ी है। जीर्ण तृण, कैसा तृण? जीर्ण तृण सड़ा तिनका, जिस जो कि दांत के मल को निकालने के भी काम में नहीं आता है, ऐसा समझ करके छोड़ के चल दिए, मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, विशाल पीछे मुड़ के नहीं देखा, बमन करके चाटने वाला विश्व में एक ही प्राणी है। बमन करके चाटने वाला विश्व में एक ही प्राणी है, जो बमन करता है स्वयं चाटने लगता है, उसका नाम स्वान होता है। हे इंसान, त्याग करके तपस्या धारण करके और फिर धन धरती के राग में लिप्त हो जाए, ये बमन करके चाटना स्वान का जीवन है। जिस राज्य को छोड़ दिया, घर की झुबड़िया छोड़ के आए हैं, अट्टालिका बनाने में लीन हो रहे हो, ये बमन करके तुम चाट रहे हो। जिस स्त्री को छोड़ के आए हो, जिस स्त्री को छोड़ के आए हो, उसी स्त्री को जोड़ने में लग जाए, ये बमन करके चाटने के तुल्य है। साइलेंस मुनि बनने के भाव आ जाए तो पहले निर्णय कर लेना कि मधुबन में कोई भवन बनाना हो तो मेरे मित्र पहले भवन बनवाना, फिर मुनि बनने का विचार करना, पर मुनि बन के ईंट चूने में मत लग जाना। मोक्ष मार्ग जो है इसे लजाना मत, इसे लजाना मत। योगेश्वर की चर्या तो देखो क्या है, क्या चक्रवर्ती की विभूति तुम्हारे पास है क्या? वो पंचम काल में चक्रवर्ती कोई होता भी है क्या? धन विभूति सम्मान का मान आने लग जाए, एक बार आगम में चक्रवर्ती की विभूति का भी व्याख्यान पढ़ लेना।